आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म जॉन डे के बारे में, क्योंकि ग्रैंड मस्ती दुबई में रिलीज नहीं हुई तो मैंने फिल्म देखी नहीं, इसलिए मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकता। मैं बॉलीवुड का नंबर वन क्रिटिक हूं, तो मैं छोटी फिल्म हॉरर स्टोरी का रिव्यू दे नहीं सकता। जॉन डे की कहानी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना गया गुजरा बेवकूफ क्रिटिक हूं। भले ही मैंने 5 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हो, गाने लिखे हों, बहुत से लेख लिखे हों, ट्विटर पे बड़ी अच्छी ट्वीट करता हूं, बट इस फिल्म की कहानी को समझने का मेरे में ब्रेन नहीं था। मैं पहले सीन से आखिरी सीन तक समझने की कोशिश करता रहा कि यह फिल्म नसीर साहब और रणदीप हुड्डा जी ने क्यों की थी, और आखिरी सीन में मुझे पता चला कि सिर्फ पैसों के लिए की थी। क्योंकि इस फिल्म का नरेशन तो हो नहीं सकता, जब कहानी नहीं है तो नरेशन कैसे होगा, ना किसी को यह फिल्म समझ आ सकती है ना कोई इसको समझा सकता है। मैं इस फिल्म को 100 दफा और भी देखूं तो मुझे इसकी स्क्रिप्ट समझ में आएगी नहीं। हां, इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी एक्टर हैं इस फिल्म के, उनको भी यह 100% पता था कि यह फिल्म किसी ना किसी को बेवकूफ बना करके बनाई जा रही है। इस फिल्म की कहानी कुछ नहीं है, इस फिल्म का फ्लॉप होना 100% तय है, और आपको तो पता है कि एक्टर्स किसी को भी बेवकूफ बनाने में तो माहिर है। हां, वो बेवकूफ खुद कभी नहीं बनते, फिल्म में है नहीं। एक्टिंग की बात अगर मैं करूं तो अगर आप रणदीप को इस फिल्म में देखेंगे तो आप अपना सर पीटने लगेंगे और आप खुद से ये पूछेंगे कि वो रणदीप जिसने जिस्म 2 में ऐसी एक्टिंग की हो, जिसने जन्नत 2 में वैसी एक्टिंग की हो, वो भट्ट साहब की फिल्मों का रणदीप यहां क्यों नहीं है। हीरोइन है नहीं, एक पता नहीं किस लड़की को ऐसे ही मतलब फिलर की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म का जहां तक मुझे पता है ये तकरीबन 11 करोड़ में फिल्म बनी है। अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि फिल्म 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। ये फिल्म प्रोड्यूसर ने बनाई जरूर है, बट जो एक नए प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मिल करके, तो जाहिर सी बात है उतना खर्चा कैसे हुआ होगा ये कोई भी समझ सकता है। कुल मिलाकर प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो बहुत ही मतलब आप ये समझिए एक भोजपुरी फिल्म के लेवल की है। कोई भी भोजपुरी या कहेंगे गुजराती या कहेंगे राजस्थानी, उस लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू है इस फिल्म की। कुल मिलाकर ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1/4, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर इस फिल्म ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा तो ये फिल्म लाइफ टाइम 5-6 करोड़ का बिजनेस करेगी। प्रोड्यूसर ने इस फिल्म पे टोटल खर्चा किया है तकरीबन 17-18 करोड़, और उस बेचारे प्रोड्यूसर को इस फिल्म से जो टोटल रिकवरी होगी वो तकरीबन, अगर बहुत मतलब जमीन और आसमान एक हो गया, मतलब ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, तो 17-18 लाख की, यानी बाकी का पैसा गया खड्डे में। जब एक नया प्रोड्यूसर आता है तब पुराने प्रोड्यूसर या पुराने लोग मिलकर के उसका इसी तरह मजाक बनाते हैं, उसको इसी तरह फंसाया जाता है, और ये फिल्म
एक और जीता जागता इस बात का एग्जाम्पल है। इसके बावजूद भी अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप जाइए एंड एंजॉय कीजिए। टेक केयर।